प्लान बनाया है एआईसीसी अम्बेडकर ने, सब जाएंगे किसानों के हक की बात सबके सामने रखेंगे, जो जो किसान के साथ इन्होंने अन्याय कर रखा है, लठ मारने का गोली मारने का काम कर रखा है। सबसे पहले मैंने काम होगा जो किसान के खिलाफ जो पोर्टल बना रखा है ना, इसको आते ही हटाएंगे। की बार खुल तैयार है राय भी कांग्रेस ही की, क्योंकि पब्लिक की आँख खुल चुकी है, खाली जुमलेबाजी से है, कह रहे हैं उसको उसका नाम दे दिया मोदी की गारंटी, बीजेपी की कोई गारंटी नहीं है। लोगों ने मूड बना लिया, अगर की बार झूठ में नहीं फंसेंगे, क्योंकि एक बार धोखा खा ले, दो बार खा ले, तीसरी बार धोखा नहीं खाएंगे। सब ने देख लिया, करना कुछ नहीं इन्होंने, खाली कहना है, जो कम है वो ये करते नहीं, जो कांग्रेस सरकार करती है वो पक्का करते कांग्रेस। आपको एक पदवी मिला है राहुल गांधी की तरफ से, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, आपका काम क्या रहेगा और किस तरीके से कर। मेरे को राहुल गांधी की तरफ से पद मिला है ऑल इंडिया किसान सेल जनरल सेक्रेटरी का, और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश का सह प्रभारी किसान सेल का बनाया गया, तो वहाँ पर मैं जाकर अपनी ड्यूटी करूँ। किस तरह की रहेगी आपकी कार्यशैली वहाँ पर, क्या क्या मुद्दे रहेंगे अब वहाँ जाके चुनाव लोकसभा? किसानों के साथ खड़ा हूँ मैं, तो पार्टी के साथ है, हम आदमी हाथ से हाथ जोड़ों का अभियान चल रहा है, और किसान की आवाज़ बनकर उभर के आएंगे, हम सबको साथ जोड़ेंगे। भाई लगातार इस सरकार में दो आंदोलन हो चुके हैं किसानों के, पार्ट टू अभी खत्म भी नहीं हुआ है, तो आपको किसान सेल की जिम्मेवारी मिली है, किस तरह से आपकी रणनीति रहेगी? किसान सेल के लिए हमने सब ने मिलकर एकजुट होकर ने सारा काम प्लान बनाया है, एआईसीसी अम्बेडकर ने, सब जाएंगे किसानों के हक की बात सबके सामने रखेंगे, जो जो किसान के साथ इन्होंने अन्याय कर रखा है, लठ मारने का गोली मारने का काम कर रखा है, किसान को बताएंगे कि राहुल गांधी जी सरकार कांग्रेस सरकार आते ही उनको जो MSP है वो हटाएंगे। पहले सबसे पहले मैंने काम होगा जो किसान के खिलाफ जो पोर्टल बना रखा है ना, इसको आते ही हटाएंगे। तो केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, उसको क्या कहना चाहोगे? देखो ये तो जो बाउंड चल रहे हैं ना, उसका ध्यान हटाने के लिए गया, के लिए गिरफ्तार किया गया, बाकी कानून प्रक्रिया अपने कांग्रेस के खाते लगातार सीज किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? भाई जब एक जो 70 साल का हिसाब मामले थे, अपना तो 10 साल का हिसाब दिन दिया उनके पसीने आए हैं, कांग्रेस के खाते सील करने लग रहे हैं, ये गलत है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी कितना तैयार है? फुल, अब की बार फुल तैयार है, राय भी कांग्रेस ही की, क्योंकि पब्लिक की आँख खुल चुकी है, खाली जुमलेबाजी से है, कह रहे हैं उसको उसका नाम दे दिया मोदी की गारंटी, बीजेपी की कोई गारंटी नहीं है, और उसके लिए भी समझ चुकी पब्लिक है, वह हम न रोजगार चाहिए, 5 किलो अनाज भी चाहिए, सरकार कोई भी आओ 5 किलो अनाज तो देगी, लेकिन उन्हें सब न रोजगार चाहिए, जिसके आज का दिन बच्चा जवान होता है ना, और वो बच्चा छाती मुक्का मार के विदेश भेज रहे हैं, क्यों भाई नौकरी क्यों नहीं दे रहे बच्चों को, रोजगार दो इनको, यही वो करो ना, जो कहते हैं ना गरीबी 80 करोड़ हो गई है, क्यों बनाओ 80 करोड़, इनको रोजगार दो, सभी को काम धंधा दो, अपना आप पर अनाज खत्म हो जाए, बंद हो जाएगा लेना, लोग रोजगार नौकरी मिलेगी तो सबको, जो अभी फिलहाल नौकरी काटी थी डी ग्रुप की 81% जनरल कर दिया, SC 74%, 78%, बताओ ये कोई ना, वैसे निकालो मत ना नौकरी को, जब इतना बड़े हो देर ला करी इसको। लगातार आप लोगों के बीच में जा रहे हो, आप न अभियान कांग्रेस पार्टी ने अभियान चला रखा है हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस, उसमें आप किन किन नीतियों का प्रचार कर रहे हो? भाई कांग्रेस सरकार आएगी सबसे पहले तो पोर्टल बंद करेगी, जो यह ऑनलाइन सिस्टम करा रखा ना, सब कागज उठाए हंडल ना रहे हैं कि ये कागज पूरे नहीं हो रहे हैं, सब पहले तो ये करेगी, फिर किसानों का MSP लागू करेगी, जो राहुल गांधी जी ने जो 5 किसानों को किए हैं, अब नया कानून बनाया जाएगा किसान के प्रति, क्योंकि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, पहले 80% किसान होया करता था, अब 70% पा लिया किसान, 10% ये खूने लग रहे हैं बीजेपी सरकार, अब राहुल गांधी इनकी आवाज़ बनकर उभरेगा, इनके साथ खड़ा रहेगा। आप लगातार लोगों के बीच में रहते हो, लोगों का क्या मूड है अब की बार? लोगों ने मूड बना लिया, अगर अब की बार झूठ में नहीं फंसेंगे, क्योंकि एक बार धोखा खा ले, दो बार खा ले, तीसरी बार धोखा नहीं खाएंगे, सब ने देख लिया, करना कुछ नहीं इन्होंने, खाली कहना है, जो कम है वो ये करते नहीं, जो कांग्रेस सरकार करती है वो पक्का करते कांग्रेस सरकार, तो लोगों ने सोच लिया अगर कुछ भी नहीं करना, इन्हें 5 साल और अगर मिल गए आ तो तन पर कपड़ा भी नहीं छोड़ेंगे, अब की बार ये अब समझ चुके सारी बातों को लोग।
लेकिन नए मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया गया बीजेपी द्वारा, उस पर आपका क्या कहना? भाई मैंने पहले ही बताया था, लोगों ने उम्मीद बनाई हुई थी अगर नायब सैनी जी आएंगे, आए हैं सीएम, कुछ करके दिखाएंगे। अरे इससे अच्छा था मनोहर लाल खट्टर ही सीएम था, वो ही चला रहे अब भी। क्यों, वो कुछ करता तो नहीं था ना, इससे उम्मीद बनाई फिर टूट गई उम्मीद लोगों की। हर ही बात ये तो रबड़ स्टैंप है, नोटिस 6 महीने का खतर लगा रखा है, कुछ नहीं इसमें। इन्होंने ना तो सोनीपत और जींद में भेदभाव की राजनीति करी, कोई मंत्रिमंडल नहीं दिया। क्यों भाई, यहाँ क्या विधायक नहीं है, यहाँ भी देना चाहिए। इन्होंने खाली भेदभाव की, जात पात की राजनीति करते हैं और कुछ भी नहीं करना। राजकुमार सैनी को इंडिया के गठबंधन में शामिल कर लिया, इस पर क्या कहना आपका? देखो राजकुमार सैनी को गठबंधन में लिया है, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये राहुल गांधी का गठबंधन है, वहाँ उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो बड़े नेता हैं, उसका फायदा होगा नुकसान होगा कांग्रेस को? फायदा तो है, इंडिया गठबंधन मजबूत होने लग रहा है, बहुत ज़्यादा फायदा है। लेकिन इसके बारे में बड़े आदमी उनका उन्होंने सोच के किया होगा, मैं तो पता नहीं। और किसी दल को भी शामिल करने की बात चल रही है इंडिया गठबंधन? भाई बता दे दिया, वो इंडिया गठबंधन एक बड़ी चीज है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बीजेपी सरकार जो है एक खर्ची पर्ची पर है, जो बिना खर्ची पर्ची के रोजगार देने की बात करती है और लगातार उसका ढिंडोरा पीट रही है कि हमने रोजगार दिए हैं, हमने 1,10,000 जो सरकारी नौकरी दी है पिछले 5 साल में, 1,10,000 5 साल में नौकरी दी है या डूब मरने की बात है। 1,10,000 आदमी युवा जवान हुए हैं 5 साल में, नहीं तो देखो ना कितना बच्चे जवान हो गए ना, एज निकलने लग रहे हैं, बिना खर्ची पर्ची की नौकरी काट है उन्हें, कैंसिल हो जाए है वह, पेपर लीक की कह देते हैं ये वो, पता तो नौकरी तो दे ही नहीं रहे, खाली कौशल योजना पे जी रहे हैं, कौशल योजना को ये पक्की नौकरी मान रहे हैं, जो कि जिम्मेवारी किसी को लगाया किसी को हटा दिया। यार जिम्मेवारी तो एक घर का चाहे मुखिया भी हो, अगर उसको जिम्मेवारी मिलती है तो अच्छी तरह निभाएगा, लेकिन टेम्परेरी 2 दिन के लिए मुखिया बनाया जाए तो ओके, वो 2 दिन के लिए कोई काम करेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। ठीक ठीक, थैंक यू भाई सब, राम राम। पत्रकार बंधुओं सबको या एक बुलाव करने पर सबको आजोड़ कर आ, पूरे प्रदेश को होली की शुभकामनाएं। आज आपको पता है शहीदी दिवस है 23 मार्च को, आज के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव आज़ादी के गीत गाते हुए अपने प्राणों को निछावर कर दिया था इन्होंने। आज के वो युवाओं की प्रेरणा शक्ति है, मातृशक्ति है, प्रेरणा शक्ति है युवाओं की,